मऊ जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भाजपाइयों को पुलिस वालों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसी आरोप के साथ थाने में धरना प्रदर्शन करना भी पड़ रहा है, जिसके बाद बीजेपी सरकार में पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि अगर भाजपाई पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार से परेशान है तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने बताया कि जिले के कोपागंज थाने में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आलम यह है कि थाने में आने वाले 10 मामलों में से 8 का निस्तारण थाने पर ही घूस लेकर कर दिया जा रहा है, जिसमें खाकी वर्दी क्षेत्र में बदनाम हो रही है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। थाने के थानाध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी सहित 2 दरोगा भ्रष्टाचार और घूसखोरी को अपना पेशा बना लिए हैं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त थानाध्यक्ष और दोनों दरोगा का जल्द ही तबादला दूसरे जिले में किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों का आंदोलन ऐसे ही दिनों रात थाने में चलता रहेगा। बताते चले कि भाजपाई शनिवार को रात्रि से ही थाने में अपना डेरा जमाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है। फिलहाल देखना अब यह है कि कब भाजपा सरकार के भाजपाइयों की मांग पर शासन और जिला प्रशासन गौर फरमाता है। कोपागंज थाने में जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, उसी के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं और कल रात से ही हम लोग धरना दे रहे हैं कोपागंज थाने में। क्या मामला है? मामला है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पे है और इस तंत्र को इन्होंने बिल्कुल इसड़ा डाला है, कोपागंज के थानाध्यक्ष और दो SI। क्या नाम है उनका? इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है, जब तक ये लोग थाने में रहेंगे तब तक हम लोग भी थाने में रहेंगे। जब थाने से ये लोग जब तक जाएंगे नहीं, तब तक थाने में ही रहा जाएगा हम लोग। अनवरत चलेगा धरना जब तक इनका हाँ बिल्कुल अनवरत चलते, जब तक ये रह जाए तब तक अनवरत चलता रहेगा। ये आवाज आम जनता की है, और यहाँ स्थिति ये है कि 10 में से 8 निस्तारण यही करा, पैसे लेके निस्तारण करा दिया जाता है। 25,000, 10,000, 20,000, 50,000, मतलब हर किसी भी मुकदमे में तुरंत यहीं से निस्तारण करा के उसे पैसा घर की उगाही कर दिया जाता है।